हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी। सो जल्दी से चेक कर लीजिए बेटा, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नॉट ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है सभी को, चेक इट वंस। एक बार चेक कर लो, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल और नॉट। ओके, सो ऑल क्लियर, ठीक है, ग्रेट। चलिए, सो आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो पहले मैं वो कर देता हूँ, देन वेल स्टार्ट दी सेशन। है ना, आज के सेशन में हम लोग को डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। सो एल्गोरिथम, मैं जितने क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सो विल डू दैट क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि देर इज अ उड़ान बैच एंड द बुनियाद बैच, ये दोनों बैचेस आपकी शुरू हो चुकी है। 2024 अगर आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या 2025 की गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। बैच ज्वाइन करने के पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो यू कैन अप्लाई द कोड दैट इज GA1111। दैट इज द कंप्लीट CSIT टीम, जो कि अनअकैडमी गेट अकेडमी का टीम है। ये टीम आप लोगों को कंप्लीट CSIT का प्रिपरेशन, गेट का प्रिपरेशन करवाएगा। ठीक है, अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आइकॉनिक लेना चाहते हैं, तो देर आर अ डिफरेंट प्लान्स, यू कैन चूज एनी ऑफ द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप लोग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा बैच में 15-month सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है, 30-month सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है, एंड दैट वुड बी द कंप्लीट प्रतिज्ञा बैच। ये कंप्लीट प्रतिज्ञा बैच की टीम है जो आप लोगों को 24 एंड 25 के लिए अनअकैडमी की लाइव एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन आप लोगों को करवाएगा। यू कैन सी हियर देयर इज अ रिकॉर्डेड कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू लर्न द कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश, सो रुद्रा रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 15 और 30-month प्लान में गेट अकेडमी के रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है। If you want to purchase the G drive course or pen drive course of the gate, so it is also available. And the another important announcement, ये सभी बच्चों को करना है जो भी gate 2023 की preparation कर रहे हैं। So आपका 15th, 22 and 29, ठीक है, ये 3 days, मतलब 15th मतलब this Sunday and then the next Sunday and then the next Sunday. So January के जितने संडे हैं, हर संडे आप लोग का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर हो रहा है, दैट पेपर इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल। तो जो भी गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपकमिंग 24 के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट को जरूर दीजिए। अगर आप टेस्ट में टॉप 10 रैंक में आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 to 60 को 75% स्कॉलरशिप है, 61 से 200 रैंक के लिए 50% स्कॉलरशिप है, 201 से 500 पे 25% स्कॉलरशिप है। आपको सिंपली GA1111 ये कोड अप्लाई करते हुए एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट एब्सोल्युटली फ्री है, टेस्ट भी बिल्कुल फ्री है, तो आप एग्जामिनेशन के पहले ये 3 टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इन टेस्ट को आप लोगों को जरूर देना है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट दी क्वेश्चंस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। आज के सेशन में हम लोग मेनली डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दैट इज द रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ये है फर्स्ट वाला। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करें, ट्राई इट वंस एंड टेल मी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ट्राई इट वंस एंड टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। है ना, एक बार आप कोशिश करें खुद से। आई विल गिव यू द टाइम, 3 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। है ना, सो कोशिश करिए और बताइए कि क्या होगा रिजल्ट।
राइट द फॉर्मूला हियर, है ना। अगर आप लोग को फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं, यू नीड टू कंप्यूट द वैल्यू, सो यू नीड टू यूज द फॉर्मूला दैट इज एम ऑफ आई जे, है ना। आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, हाउ मेनी मैट्राइसेस आर देयर, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू क्रिएट द मैट्रिक्स। तो कितनी मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है, फोर मैट्राइसेस आर देयर, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, तो फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स आप लोग सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। सो फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स बना लीजिए, सपोज टू बी दिस वैल्यू इज वन टू थ्री एंड फोर, ओके, एंड हियर इज वन टू थ्री एंड फोर, दिस रिप्रेजेंट्स, रो रिप्रेजेंट्स आई एंड कॉलम, वी कैन रिप्रेजेंट कॉलम बाय जे, तो रो के लिए आई ले लिया हमने, कॉलम के लिए जे ले लिया, सो आई नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एम ऑफ आई जे, आई जे का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर सपोज टू बी जो आई का वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, देन सिंपली यू नीड टू पुट जीरो, ओके। सो इफ आई एंड जे इज इक्वल, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंगली डायगोनली हमने क्या पुट कर दिया, वैल्यू को जीरो। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि i greater than j है, so here we can say that 2 is greater than 1, we need to put 0, 3 is greater than 1 and 2, put 0, and 4 is greater than 1, 2, 3, you need to put 0. So simply आपको value 0 put कर देना है, okay, श्वेता आपका answer कितना आ रहा है, 25,000, ठीक है, check कर लेते बेटा, will verify, तो i का value अगर greater than equal to 0 है, i का value अगर greater than equal to j है, then your answer is 0, और अगर ऐसा नहीं है, so if the value of i is less than j, so in that condition you need to calculate minimum of, there is a value of k, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे हमें k का value choose करना पड़ता है, जो k क्या होना चाहिए, it should be greater than equal to i but less than j, and simply the formula is m of i k plus m of k plus 1 j plus p i minus 1 p k p j, ठीक है, इज इट क्लियर, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, वी नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एम ऑफ वन टू, इस स्पेसिफिक सेल का वैल्यू कंप्यूट करना है। अब आप देखिए यहां पे ये जो वैल्यूज हैं, इनको सिंपली इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जो पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे अज्यूम दैट इट इज पी जीरो, दिस इज पी वन, ये पी टू है, ये पी थ्री है और ये पी फोर है, क्लियर है। तो ये वैल्यूज हम लोग को दी हुई है, ये वैल्यूज हम लोग को दी हुई है, अब हमें यहां पे कंप्यूटेशन करना है। तो अगर हम एम ऑफ वन टू की बात करें, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट टू मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स एम वन का जो ऑर्डर है वो अगर पी जीरो क्रॉस पी वन है और मैट्रिक्स एम टू का ऑर्डर अगर पी वन क्रॉस पी टू है, तो इन दोनों मैट्राइसिस को मल्टीप्लाई करने में जो मल्टीप्लीकेशन लगेंगे वो पी जीरो मल्टीप्लाई बाय पी वन मल्टीप्लाई बाय पी टू, ये करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इस स्पेसिफिक डायगोनल की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके तो कर ही सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट थ्री वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 100 इज हाउ मच 1000, 1000 इंटू 20 इज हाउ मच 20,000, तो यहां पे आपका वैल्यू 20,000 आ जाएगा, इजिली यू कैन राइट दैट वैल्यू, ओके। अब अगर आपको एम ऑफ टू थ्री का वैल्यू निकालना है, मतलब हम सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन सिंपली पी वन पी टू पी थ्री का मल्टीप्लीकेशन, so 100 into 20 2000 into 5 it become 10,000, so ye 10,000 value humne yahan likh di, then next is m of 3 4 ka value compute karna hai, so p2 p3 p4, so 20 into 5 is 100, 100 multiply by 80 is 8000, so we need to put that value here, to is tarike se values ko hum log kya kar denge, put up kar denge, aayi baat samajh mein, तो ये वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम वन थ्री, एम ऑफ वन थ्री का वैल्यू निकालना है, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। अब देखिए जब एम ऑफ वन थ्री की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, एम ऑफ वन थ्री के केस में, आप देखिए के का वैल्यू हम लोग क्या चूज कर सकते हैं, वी कैन गो के इज इक्वल टू वन, क्योंकि आई से ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए जे से लेस होना चाहिए, तो यहां पर वन है और ये थ्री है, सो के इक्वल टू यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, टू। If I am putting the value of k is equals to 1, so it is m of 1 1 plus m of 2 3
प्लस पी जीरो पी वन पी थ्री, और जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो एम ऑफ वन टू प्लस एम ऑफ थ्री थ्री प्लस पी जीरो पी टू पी थ्री. नाउ सिंपली वी नीड टू पुट द वैल्यू इन बोथ द इक्वेशन, और दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा. सो एम ऑफ वन वन का वैल्यू जीरो है, ये यहां पे दिया हुआ इस मैट्रिक्स में, वन वन इज जीरो. एम ऑफ टू थ्री, टू थ्री इज टेन थाउजेंड, टू थ्री इज टेन थाउजेंड. प्लस पी जीरो इज हाउ मच, इट इज टेन. पी वन इज हंड्रेड, सो टेन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय पी थ्री. पी थ्री का वैल्यू कितना है? फाइव है. पी थ्री का वैल्यू कितना है? फाइव है. सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है. फिर हम k इक्वल टू टू पुट करने पे m ऑफ वन टू का वैल्यू निकाल रहे हैं, सो इट बिकम 20,000 प्लस जीरो प्लस टेन इंटू पी टू इज 20 इंटू फाइव. सो विच वन इज द स्मॉलर वैल्यू? इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी हो गई? सो ये कितना है? सिर्फ ये 5,000 है प्लस 10, इट बिकम 15,000. ये तो 20,000 प्लस एक्स्ट्रा वैल्यू, so 15,000 is the smaller value. तो m of 13 का value हम लोग यहाँ पे 15,000 लिख देंगे. Similarly I need to calculate the value of m of 24. तो 24 का value हम हमें calculate करना है, ठीक है? चलिए. So I hope is it clear to all? ये clear है किस तरीके से value computation किया? So इसी तरीके से m of 24 का value बताएं आप लोग कितना आ रहा है, अगर आपने calculate किया है तो, और नहीं किया है तो जल्दी से calculate करके बता दीजिए. What is the value of m of 24? 24 कितना आ रहा है? Check it once. ललित m ऑफ 12 तो बेटा सिंपली क्या करना है, m ऑफ 12 का मतलब है मैट्रिक्स 1 को मैट्रिक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये फर्स्ट थ्री वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड. अगर आप मैट्रिक्स 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, और अगर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको इनका मल्टीप्लीकेशन करना है. दैट्स इट. तो इस तरीके से हम लोग उस वैल्यू को तो कंप्यूट कर ही लेंगे इजीली. m of 24 compute करिए कितना आ रहा है. What is m of 24? Let's see. I will tell you. m of 24 की value की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो m of 24 के लिए आप k का value क्या choose कर सकते हो? You can choose the value of k is equals to 2 और वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 3. तो 2 और 3 आप लोग चूज कर सकते हैं यहां पे, ठीक है? सो इट इज एम ऑफ 22 प्लस एम ऑफ 34 प्लस पी 1 पी 2 पी 4, एंड हियर इट इज एम ऑफ 23 प्लस एम ऑफ 44 प्लस पी 1 पी 3 पी 4. यू नीड टू पुट द वैल्यू एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मिनिमम. बस इतना सा करना है, वैल्यू आ जाएगी. m ऑफ 22 का वैल्यू जीरो है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, आप देख सकते हो लिखा हुआ है जीरो. m ऑफ 34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम 8,000, पुट 8,000 हियर. प्लस p1 इज हाउ मच, इट इज 100. प्लस p2 इज हाउ मच, इट इज 20. एंड p4 इज हाउ मच, इट इज 80. एंड हियर m ऑफ 23, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है. फिर m ऑफ 23 का वैल्यू अगर हम लोग देखें, 23 इज 10,000 प्लस m ऑफ 44 इज 0, p1 इज 100 मल्टीप्लाई बाय p3 इज 5 एंड p4 इज 80. सो इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू है वो 50,000 हो जाएगी आपकी.
जस्ट पुट दैट वैल्यू हियर. सो 50,000 यहां आ गया. ठीक है, नाउ आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा दैट वुड बी इन दिस पर्टिकुलर सेल एम ऑफ 1, 4. इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स 1 से लगा के मैट्रिक्स 4 तक को मल्टीप्लाई करने के मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने लग रहे हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली एम ऑफ 1, 4 कंप्यूट करना है. सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है. ये तीन पॉसिबल वैल्यूज है. अब k इक्वल टू 1 पुट करने पे एक इक्वेशन मिलेगी, 2 पे एक इक्वेशन मिलेगी और 3 पे एक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, अब k इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट करते हैं k इक्वल टू 1 पे, सो व्हाट वी कैन से इट इज एम ऑफ 1, 4 प्लस एम ऑफ 2, 4 प्लस P0, P1, P4. Then the if the value of k is 2, just a minute, it is m of 1, 1. So m of 1, 2 plus m of 3, 4 plus P0, P2, P4. फिर यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो m of 1, 3 plus m of 4, 4 plus P0, P3, P4. इन फोर में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा, इन फोर में इन थ्री इक्वेशन जो दी हुई है इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट स्मॉलर वैल्यू, है ना, और उसको यहां पे पुट कर देंगे एंड दैट वुड बी योर आंसर. और वही आपका आंसर होगा, एम ऑफ 1, 1 इज 0 प्लस एम ऑफ 2, 4 इज 50,000 प्लस P0, P1, P4. सो 10 इंटू 100 इंटू 80. चलिए नेक्स्ट वैल्यू एम ऑफ 1, 2 इज 20,000 प्लस एम ऑफ 3, 4 इज 8,000 प्लस 10 इंटू P2 इज हाउ मच, इट इज 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 80. आई कैन सी द लास्ट वैल्यू एम ऑफ 1, 3 इज 15,000 प्लस 0 प्लस P0 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5 multiply by 80. So it become 4000 plus 15. How much it is? 4000 plus 15 is how much it is? 19,000. So you can go with this. So your answer is 19,000. C is your answer. So yes, Vishal, C is the correct answer. Is it clear to all of you? बाकी बच्चों को क्लियर है ये? ठीक है, ओके, डन. एक और अनाउंसमेंट ये है कि कल मॉर्निंग में आप लोगों का क्लास है. ठीक है, इन मॉर्निंग 7 AM. ठीक है, 7 AM टू 8:15 अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर स्पेशल क्लास होगा, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, इन विच वी आर गोइंग टू रिवाइज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का रिविजन कर रहे हैं और कल का जो टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग, मतलब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे वहां पे. ठीक है, सारी चीजें कंक्लूडिंग वे में. तो अगर अभी मान लो आपको किसी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से, तो आप लाइव ऐप पे आ जाएंगे सभी बच्चे, तो वहां पे हम लोग इंटरेक्टिव क्लास, मतलब कि अगर आपके कुछ पर्सनलाइज डाउट है रिलेटेड टू द डायनामिक प्रोग्रामिंग तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और वहां पे फीचर है उसके थ्रू आप लोग मतलब पूछ सकते हैं. और सेकेंड पॉइंट ये है कि जितना भी हम लोग यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, बट अगर आप लोग को फॉर्मूले में, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया, बट हो सकता है कि अगर आपको नहीं आता है पहले से तो कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में फिर आप मॉर्निंग में रिविजन क्लास को जरूर अटेंड करें. यहाँ पे हम और प्रैक्टिस भी करेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है,
तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिथम का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद मैं डेटा स्ट्रक्चर का रिवीजन शुरू करूंगा, वो भी स्पेशल क्लासेस में ही होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के पहले, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेस, ठीक है। यस डियर ललित, संडे को प्लान किया है बेटा, है ना, इस संडे सेशंस होने वाले हैं, सो डेफिनेटली विल डू दैट। चलिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम एंड देर आर टू क्वेश्चंस ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज द करेक्ट वन। फॉर्मूला बार बार भूल जाते हैं, इसका कोई आइडिया हाउ टू रिमेंबर? देखिए, फॉर्मूला याद रखने का बिल्कुल आइडिया है, कल मॉर्निंग अटेंड करो बेटा क्लास आप, है ना, उसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं किस तरीके से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन का हुआ या फिर सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम का हुआ या जितनी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है जिनमें हम जो फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है और अगर आप भूल जाते हैं तो एक देखिए ट्रिक इज सिंपली द लॉजिक, तो वो लॉजिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है या विच फॉर्मूला वी नीड टू अप्लाई, है ना, तो उसको कर लेंगे। तो मॉर्निंग में आप एक बार क्लास अटेंड कर लो कल, तो आपके ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू रिमेंबर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल एल्गोरिथम्स, देखिए सारे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखने का तरीका यही होता है कि इफ वी नो द प्रोसीजर देन इजीली वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे रटने की नीड नहीं होती उस केस में, ठीक है। जैसे यहां पे अगर इसके पहले मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन की बात हम लोग करें, तो आप देख सकते हैं कि आपने एक मैट्रिक्स की वैल्यूज को कंप्यूट किया, तो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का था तो एन स्क्वायर तो उसकी सेल्स की वैल्यू निकालने का टाइम लग जाएगा, प्लस एक सेल की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए के की ग्रोथ कितनी हो रही थी, तो के मैक्सिमम के की वैल्यू 1, 2, 3 तक जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम साइज 4 लेके चल रहे हैं तो के का वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकता है, अगर साइज n लेके चलूंगा तो के का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है n-1, तो n इंटू n तो मैट्रिक्स की कॉस्ट हो गई मल्टीप्लाई बाय एक स्पेसिफिक सेल को कैलकुलेट करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना लगेगा n-1, इट बिकम मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना हो गया वो n क्यूब इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज योर आंसर। तो अगर आपको उसका लॉजिक पता है तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिकरेंस रिलेशन में आपको दिक्कत हो रही है बेटा, तो रिकरेंस रिलेशन में एग्जैक्टली सॉल्व करने में इशू आ रहा है, कहां इशू आ रहा है, उससे कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में इशू आ रहा है क्या? अभी स्पेशल क्लास में मैंने रिवीजन सेशन लिया था कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन का, एक बार उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना एप्लीकेशन पे, तो लगे तो एक बार आप उसको देखो, एप्लीकेशन पे जाके उसको एक बार देखो कैसे रिवाइज करवाया है मैंने, तो वो कम टाइम में आप ज्यादा चीजें ग्रास्प कर पाओगे वहां पे, तो उसको एक बार देखो, उसके बाद भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप क्लास में पूछो। चलिए, What would be answer for this particular question? इस question का answer क्या हो रहा है? The sum of subset sum problem is defined as follows. Given a set of n positive integers, s में जो values है आपकी 1, 2, 3 up to n, and the positive integer w is there a subset s whose element sum is equal to w. देखिए, sum of subset problem मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को clear होगी, है ना? तो क्या हमारा सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम रहता है? आपके पास एक सबसेट होता है ना, एक सबसेट होता है, दैट कंसिस्ट सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक ए वन ए टू, जो भी एलिमेंट्स है आपके पास, ए एन एलिमेंट्स आ देयर, और डब्ल्यू एक सम दिया हुआ है ना, एक सम दिया हुआ है, हमें क्या करना है,
we need to check that ki there exists any subset of that set such that addition of element of that subset is equals to W. है क्या ऐसा, हमें ये देखना है. तो उसके लिए आप डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हैं. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी से स्पेसिफिक सेल का वैल्यू अगर हम लोग को कंप्यूट करना होता है तो हम एक तो उसके टॉप सेल पे अगर ट्रू लिखा हुआ है तो हम इसको भी ट्रू कर देते हैं, है ना. ये मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एक स्पेसिफिक सेल है उस सेल की वैल्यू कंप्यूट करनी तो अगर उसके ऊपर वाले सेल में ट्रू लिखा है तो आप उसको ट्रू पुट कर दो, और अगर यहां ट्रू नहीं लिखा है, सपोज यहां फॉल्स है, तो आपको ए स्टेप बैक जाना है. मतलब जिस स्पेसिफिक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो सेल है उतनी स्टेप बैक जाके आप वहां पे चेक करेंगे, अगर वहां ट्रू लिखा है तो भी स्टेटमेंट आपको ट्रू कर देना है. तो दो कंडीशन है, या तो उसके टॉप पे ट्रू हो या फिर फोर स्टेप बैक जाके जो सेल है वहां पे ट्रू हो. सो व्हाट वी कैन से, आइदर दिस स्पेसिफिक वैल्यू इज ट्रू और दैट स्पेसिफिक वैल्यू इज ट्रू. सो बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर, गॉट इट. तो सेकंड का बिल्कुल ऑप्शन जो है वो बी आएगा. ठीक है, नाउ इन द अबव क्वेश्चन विच एंट्री ऑफ एक्स इज ट्रू इंप्लाइज दैट देयर इज अ सबसेट हुज एलिमेंट सम इज इक्वल टू W. तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का वैल्यू कंप्यूट करते हैं, और उस मैट्रिक्स की अगर जो सबसे लास्ट सेल है इफ दैट सेल कंसिस्ट वैल्यू ट्रू तो हम लोग क्या कहते हैं कि यस वो सबसेट अवेलेबल है. तो व्हाट वी कैन से, एंथ रो का W मींस लास्ट सेल, यू कैन गो विथ ऑप्शन सी. सो सी इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए बेटा, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था उसमें हम क्या कहते थे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक बार और अगर किसी को डाउट है तो देख लो एक बार. आप यहां पे क्या करते हो, यहां W, जैसे W अगर सम मान लो 6 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है तो आप यहां से शुरू करते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स जो भी दिए हुए वो एलिमेंट्स आप लोग यहां पे लिखते हैं, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है. अब अगर आपको सपोज इस स्पेसिफिक सेल की वैल्यू को कंप्यूट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसके टॉप वाले सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है वो, अब टॉप सेल का मतलब क्या, अगर ये आईथ रो है तो इसके ऊपर वाली रो कौन सी होगी, i-1, इसलिए मैंने यहां पे i-1 को चूज किया. कॉलम तो सेम है ना, jth कॉलम ही है, तो xi-1 j में जो वैल्यू लिखा हुआ है वो, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं है तो और के लिए मैं ये सिंबल यूज कर लूंगा, और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसी रो में, मतलब रो नंबर ये i-1, लेकिन अब कॉलम jth कॉलम नहीं, इससे आपको कुछ स्टेप्स बैक आना है. कितनी स्टेप बैक आना है, यहां जो वैल्यू लिखी है तो अगर ये a3 है तो उतनी स्टेप बैक आना है, तो माइनस, ये jth कॉलम है इससे 3 स्टेप बैक आना है तो -3 करना पड़ेगा, a स्टेप बैक आना है तो माइनस ही करना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला आपका बन गया सिंपली. क्लियर है, ओके, लेट्स सी हियर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन. कोशिश करें बेटा और बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहां पे.
व्हाट इज योर आंसर? ए एंड डी, टू ऑप्शंस, ए एंड सी, ओनली सी. चलिए ओके. देखिए यहां पे क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस. तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस के रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोग वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सपोज आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल आई जे. ठीक है, एल आई जे का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम लोग कंडीशन क्या लेके चलते हैं. अगर इफ द वैल्यू ऑफ आई इज जीरो या फिर जे का वैल्यू जीरो है, इन दैट कंडीशन वी नीड टू पुट द वैल्यू जीरो. तो हम जीरो पुट करते हैं. ठीक है, फिर हम लोग क्या कहते हैं कि इफ द वैल्यू स्ट्रिंग की जो एक्स आई है, अगर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू वाई जे, मतलब अगर दोनों स्ट्रिंग दोनों कैरेक्टर्स अगर दोनों कैरेक्टर्स आपके मैच होते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, डायगोनली जो वैल्यू लिखी हुई है डायगोनल वैल्यू में प्लस वन कर देते हैं, डायगोनल वैल्यू प्लस वन. और अगर कैरेक्टर्स की मैचिंग नहीं होती है, कैरेक्टर्स की मैचिंग अगर आपकी नहीं होती है, एक्स आई इज नॉट इक्वल टू वाई जे, बोथ द स्ट्रिंग कैरेक्टर इज नॉट इक्वल, सो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम ऑफ, या तो आप देखिए जिस स्पेसिफिक सेल का वैल्यू कंप्यूट कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर ये मैच नहीं है तो या तो उसके लेफ्ट सेल में या उसके टॉप सेल में, इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है हम उसको पुट कर देते हैं. तो मैक्सिमम ऑफ एल आई माइनस वन जे या फिर कॉमा एल आई जे माइनस वन. सो इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वी नीड टू पुट दैट वैल्यू हियर, नथिंग एल्स, उनके अलावा कोई वैल्यू हम लोग पुट नहीं करते. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, एल ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू आइदर डायगोनल वैल्यू प्लस वन या फिर आइदर मैक्सिमम ऑफ दिस टू. तो एक्सप्रेशन वन जो है आपका वो ये आना चाहिए, बट किसी भी ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा. एक्सप्रेशन टू जो है आपका वो ये स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए. सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज इन ऑप्शन सी. सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर. ठीक है, सी इज योर आंसर. सो दैट वुड बी द पॉइंट. चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट. अब देखिए, अब हमें ऐसा लगेगा कि सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और ये भी टू मार्क्स में पूछे जाते हैं. इसके पहले भी देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. तो दो तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग पे एक्चुअली तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एक तरीका तो ये है. दूसरा न्यूमेरिकल आ गया, अगर न्यूमेरिकल आया तो थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है, बट आंसर सही आएगा और उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कुछ नया चीजें वहां पे पूछ लेंगे, सिंपल सा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट इट टेक टाइम. फिर फॉर्मूले में, फॉर्मूले अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजिली फॉर्मूला हम बना भी सकते हैं, याद रखने या रटने की जरूरत नहीं है. तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ना. इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. तो एक क्वेश्चन वो हो सकता है. चलिए लेट्स सी हियर व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इट इज अगेन द क्वेश्चन ओवर द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन. और ये मान के चलिए कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए, मतलब एवरी सेकेंड ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है ये मान के चलो. ठीक है, तो हर दो सालों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. इस बार भी चांस है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन आने का. करिए और बताइए क्या होगा. टू मार्क्स का आता है बेटा, डायनामिक प्रोग्रामिंग से टू मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो टू मार्क्स वेटेज है इसका. यस, ट्राई करिए, ट्राई इट एंड सॉल्व इट. बिल्कुल, सो यू कैन टेक अप टू फोर मिनट. चलिए चार मिनट के अंदर तो हो ही जाना चाहिए. सो थ्री टू फोर मिनट का टाइम लीजिए, पेशेंस के साथ ट्राई करिए.
कितना आ रहा है? 1500। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर हमने रो और कॉलम वाइज ले लिया, सो वी नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। सो हमें पता है कि डायगोनल वैल्यूज जीरो होंगे एंड बिलो द डायगोनल वैल्यूज आर जीरो। नाउ आई नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एम वन टू एंड द रिमेनिंग सेल्स। ठीक है, तो देखिए यहां आपको ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी जीरो इज हाउ मच, इट इज 10, पी वन इज 5, P2 is 20, P3 is 10, and P4 is 5, okay? अब देखिए अगर आपको M of 1-2 cell का value निकालना है, तो P0, P1, P2, so 10 into 5, 50, 50 into 2, 1000. Now, M of 2-3 के लिए P1, P2, P3, so 20 into 5, 100 into 10 is again 1000. Now see here, P2, P3, P4. So 20 into 10, 200 into 5, again 1000. So इस specific diagonal में सारी value 1000 आ जाएगी। Clear इतना? बेटा डाउट सेशन और रिवीजन की बात है तो अन अकेडमी की एप्लीकेशन पे ऑलरेडी सुबह 7 से 8 क्लास चल रही है, आप आइए अटेंड करिए। ठीक है, और दूसरी बात, चैट में आपके हर एक डाउट का रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए नाउ सी, आपके पास ये डायगोनल है, इसमें 1000 1000 1000 ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नाउ वी नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एम ऑफ 1-3। एम ऑफ 1-3 की अगर हम लोग बात करें तो एम ऑफ 1-3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, अभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, सिंपली नीड टू यूज दैट फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू दैट, के का वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या क्या है? सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज 1 into, सो के इज इक्वल्स टू 1 और के इक्वल्स टू 2 हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें, सो सिंपली वी नीड टू कंप्यूट द मिनिमम, है ना, मिनिमम हम लोग को कंप्यूट करना है। तो के का जब वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो उस टाइम पे इक्वेशन आपका क्या बन रहा है, इज एम ऑफ 1-1 प्लस एम ऑफ 2-3 प्लस P0 P1 P3। ठीक है, नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 2, इट इज एम ऑफ 1-2 प्लस एम ऑफ 3-3 प्लस P0 P2, P3, got it? तो ये दो स्पेसिफिक आपकी एम ऑफ 1-1 इज 0, एम ऑफ 2-3 इज 1000 प्लस P0, P1, P3। P0 कितना है आपका? 10 है। P1 कितना है? 5 है। और P3 कितना है? 10 है। एडिशन बिगन 1500। यहां देखते हैं, एम ऑफ 1-2 इज 1000 प्लस 0 प्लस P0 इज 10, P2 इज 20 प्लस P3 इज 10। सो अमंग दिस टू वैल्यू द फर्स्ट वन इज द स्मॉलर, तो 1500 हमने यहां पे पुट कर दिया। नाउ वी नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एम ऑफ 2-4। सो एम 2-4 का वैल्यू हम लोग को निकालना रहेगा। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एम 2-4 इज वॉट। सो 2-4 की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, सो के का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 2 एज वेल एज 3। ठीक है, सो इट इज एम ऑफ 1-2 प्लस एम ऑफ 3-4 प्लस P0 P1 प्लस P0 नहीं आएगा, प्लस P1 P2 P, एक मिनट, दिस इज
एम ऑफ 2 2 प्लस एम ऑफ 3 4 प्लस आई है पी आई माइनस वन पी वन हो जाएगा पी वन पी टू पी फोर, ये वाली हम यहां पे पुट अप करेंगे. एंड के इक्वल टू 3 के लिए एम ऑफ 2 3 प्लस एम ऑफ 4 4 पी वन पी थ्री पी फोर. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टू एम ऑफ 2 2 की बात करें, एम ऑफ 2 2 सो 2 2 इज वॉट इट इज 0 प्लस एम ऑफ 3 4 सो 3 4 इज 1000 प्लस पी वन पी टू पी फोर सो पी वन इज 5 पी टू इज 20 एंड दिस इज 5. हियर एम ऑफ 2 3 इज 1000 प्लस 0 प्लस पी वन पी थ्री पी फाइव सो पी वन इज 5 इंटू 10 इंटू 5. ऑन दिस इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू किससे आएगी, इससे आएगी 1 2 5 0 सो 1 2 5 0 वी कैन पुट हियर. नाउ वी कैन कंप्यूट द फाइनल रिजल्ट. सो अब हमें एम ऑफ 1 4 का वैल्यू कंप्यूट करना है, इस स्पेसिफिक सेल का वैल्यू हम लोग को कंप्यूट करना है. ठीक है, तो एम ऑफ 1 4 के केस में के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है. सो जो मैं कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन की बात कर रहा था ना, वो इसी तरीके से कर रहा था. जैसे अगर हमें मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती तो इस मैट्रिक्स का साइज कितना हो गया एन क्रॉस एन, मीन्स वी नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन क्रॉस एन सेल्स. तो एन स्क्वायर तो ये हो गया, और इस स्पेसिफिक सेल की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जो के की ग्रोथ है ये कितनी हो रही है, तो के की ग्रोथ मैक्सिमम एन माइनस 1 तक जा सकती है. तो अल्टीमेटली एन इंटू एन इंटू एन माइनस 1, अब माइनस 1 तो कॉन्स्टेंट है, वी कैन इग्नोर दैट, सो इट बिकम एन क्यूब. तो वो एन क्यूब आपका रिजल्ट आ जाता है वहां पे. ठीक है, लेट्स सी हियर एम ऑफ 1 4 k इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू 2 k इक्वल्स टू 3. लेट्स सी एम ऑफ 1 1 प्लस एम ऑफ 2 4 प्लस पी 0 पी 1 पी 4. नाउ k इक्वल टू 2 सो इट इज एम ऑफ 1 2 प्लस एम ऑफ 3 4 प्लस पी 0 पी टू पी फोर. ओके, के इक्वल टू 3 इज एम ऑफ 1 3 प्लस एम ऑफ 4 4 प्लस पी 0 पी 3 पी 4. ठीक है, चलिए नाउ कैलकुलेट दी वैल्यूज. हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. एम ऑफ 1 1 तो 0 है, प्लस 2 4 इज 1250 प्लस पी 0 इज 10 पी 1 इज 5 एंड पी 4 इज 5. ऑन एडिशन इट बिकम 1500. ठीक है, बाकी दोनों से वैल्यू निकालोगे 1500 से ज्यादा आएगा. सो योर मिनिमम आंसर इज 1500 एंड यू कैन गो विथ ऑप्शन ए. ए इज योर आंसर. विशाल, ऐसा नहीं है कि मिनिमम स्केलर हमेशा ये होगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा. ठीक है, वो कॉइंसिडेंस हो सकता है कि प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है, बट हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है. टोटल एक पॉइंट मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ. ठीक है, पी 0 पी 1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है इसमें कन्फ्यूजन है, फाइंड कैसे करना है इसमें कन्फ्यूजन है. देखिए,
फाइंड करना कुछ नहीं डियर, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे आपको फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 दिया है, ठीक है, तो A1 का ऑर्डर आपको कितना दिया है, 10x5 ऑर्डर दिया है, A2 का ऑर्डर आपको दिया हुआ रहेगा, A2 का ऑर्डर कितना दिया है, 5x20 दिया हुआ है, A3 का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, A3 आपको 20x10 दिया हुआ है, और A4 का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, A4 10x5 दिया हुआ है। P0 इसको ले लिया, P1 इसे लिया, ठीक है, अब ये P1 सेम है, ये P1 है, ये P2 है, ये P2 सेम है, ये P3 है, ये P3 सेम है, ये P4 है, जस्ट लाइक दिस ये फाइंड हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन के तरीके हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के वे बेटा आपके हो सकते हैं, अगर 4 मैट्राइसेस है तो ये भी हो सकता है कि A1 A2 को मल्टीप्लाई करें, A3 A4 को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज वन ऑफ दी वे। दूसरा क्या हो सकता है, A1 A2 का मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से और उसमें A4 का मल्टीप्लीकेशन, सो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहां पे टोटल 5 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, A1 A2 इसमें A3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके रिजल्ट में A4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर A3 A4 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें A2 का मल्टीप्लीकेशन और इसमें A1 से मल्टीप्लीकेशन, लाइक दिस, या फिर A2 A3 को मल्टीप्लाई करो, इसके रिजल्ट में A4 से मल्टीप्लाई करो और इसके रिजल्ट को A1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है यहां पे, इन 5 में से कोई भी मल्टीप्लीकेशन मिनिमम नंबर ऑफ, कोई भी वे मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको दे सकता है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है वो 5ों में से, तो ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि यही होगा या कोई और होगा, आउट ऑफ दिस 5 एनीवन कैन गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वो कहीं ना कहीं ऑर्डर पे डिपेंड करता है, इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नाउ ट्राई दिस वन, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, सो एक्स और वाई के बीच में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस आपको निकालना है, ट्राई करो और बताओ कि क्या होगा आंसर।
ट्रांजेक्शन इन सीरियलाइजेबिलिटी में, सीरियलाइजेबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल ये आपने कर लिया है, रिकवरेबल और इररिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं ये चीज़ें भी थोड़ी सी कर लें, ठीक है, और एक टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, इतना तो करें, बाकी अगर नहीं भी कर रहे हैं तो टाइम नहीं है अगर तो, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल के कॉन्सेप्ट सीरियलाइजेबिलिटी में आ ही जाएंगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग आपने किया है तो 2PL भी साथ में कर लो, और उसके अलावा कॉन्करेंसी कंट्रोल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कर लो। क्या ऑप्शन, क्या आंसर आ रहा है इसका? देखिए दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को फाइंड करने के, एक तो जो फुल मेथड है वो तो हमें पता होनी चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, और अगर जैसे एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस का वो क्या है, जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग दी है बी सी डी सी ए बी सी एंड द सेकेंड स्ट्रिंग इज सी ए डी बी सी बी, ओके। सो इन दोनों के बीच में कॉमन स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो बी है इस बी से, ये बी से कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद ये सी 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 से कनेक्ट हो रही है, ठीक है, डी इज कनेक्टेड विद दिस डी एंड देन वी कैन से दैट दिस सी इज कनेक्टेड विद दिस सी। तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, 4 लेंथ आ रहा है, क्रॉस नहीं आना चाहिए दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, यू कैन स्कीप दी कैरेक्टर बट क्रॉस नहीं आना चाहिए, तो ये 4 लेंथ का सिक्वेंस आ रहा है। अब इट माइट बी पॉसिबल कि जो सिक्वेंस है वो 4 लेंथ का है, इससे बड़ा सिक्वेंस और कुछ हो सकता है, आप ये भी सोच सकते हैं कि सर कैन वी कनेक्ट दिस सी विद दैट सी, यस कनेक्ट कर सकते हो, बट अब ये बी कनेक्ट नहीं होगा, अगर बी कनेक्ट किया तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस नहीं होना चाहिए, बाकी यू कैन स्किप द कैरेक्टर्स, नो इशू। हम ये बी को इस बी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट दिस ए विद दैट ए, ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट दिस सी विद दैट सी। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो सिक्वेंस की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं 4 ही आ रही है, 4 से बड़ा सिक्वेंस हम लोग को यहां पर नहीं मिल सकता, तो यू कैन डू दैट हीट एंड ट्राई, बट उसमें कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए कि हम सही ऑप्शन पर टिक कर रहे या नहीं कर रहे। हालांकि अगर सिर्फ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस पूछा है तो आप इस तरीके से हीट एंड ट्राई करके उस वैल्यू को तो कैलकुलेट कर लोगे, मतलब 4 इज योर आंसर, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में ये भी इसके साथ पूछ ले कि 4 लेंथ के ऐसे कितने सबसिक्वेंस पॉसिबल है, जैसे कि ये एक सबसिक्वेंस है ना, ये एक सबसिक्वेंस है, तो ऐसे कितने सबसिक्वेंस पॉसिबल है, एक सिक्वेंस क्या हो गया सी ए बी सी, अब ऐसे कितने पॉसिबल है, तो ये करने के लिए अगर हम हीट एंड ट्राई करने जाएंगे तो फिर माइट बी पॉसिबल या 99% चांसेस है कि हम एक या दो कुछ भूल जाएं, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर जो पूरा प्रोसीजर है मैट्रिक्स बना के जो हम लोग करते हैं उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करके रखें, और उस पे क्वेश्चंस पे जब 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगेगा। तो इस हीट एंड ट्राई के भरोसे नहीं रहना है, कभी आंसर सही आ जाता है कभी नहीं भी आता है। हालांकि ये अगर हम सिर्फ इतना लेंथ पूछा है तो और भी हम लोग थोड़ा बहुत देख के और थोड़ा सा दिमाग लगा के और निकाल देंगे कि 4 आंसर होगा। बट अगर इसके साथ में क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि ऐसे कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस पॉसिबल है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी डायरेक्टली, है ना, तो गलती होने के फिर चांसेस हो सकते हैं। तो फिर जो मेन अप्रोच मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था आप उसी से सॉल्व करेंगे। चलिए ट्राई दिस वन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताएं सभी। ईआर मॉडल में दिक्कत हो रही है रिलेशन का, बेटा मैंने अभी ईआर डायग्राम पे भी रिवीजन सेशन लिया था अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर, है ना, तो वहां पे मैंने एक सेशन में ईआर डायग्राम भी रिवाइज करवाया है, तो उसमें सारे पॉइंट्स बताए हैं कि कब मर्जिंग करना है कब नहीं करना है, एक बार उसको क्लास को देखो, स्टिल कोई डाउट आता है तो फिर किसी दिन एक स्पेशल क्लास और रख लेंगे उसमें डाउट सॉल्व करवा देंगे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लगता है आपको कि सही होना चाहिए. मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट ना, एक ज्यादा सही ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, पहला क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ वी, नहीं ये गलत है. प्रिम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होती है. ठीक है, Hoffman coding using mean heap is n log n, yes is absolutely correct. Dijkstra algorithm using adjacency matrix n square, yes. Balmain Ford algorithm using adjacency matrix n cube, yes. तो B C D three correct answers आते हैं, बिल्कुल. तो तीन सही options आपको यहाँ पे मिलेंगे. Try this one. Yes, ये भी complexity related question ही है. Time complexity of Hoffman code is n log n, where n is number of character. Yes, optimal merge pattern का time complexity भी same होता है. दोनों में same ही tree, जो tree design करने का concept है वो exactly same है. तो ये दोनों statement सही है. तो you can go with option A and B. बाकी दोनों गलत है. तो direct question था. Okay, now try this one. कॉन्करेंसी पे बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल्स कितने, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. तो वहां पे थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, है ना, वहां पे बनाने पड़ सकते हैं. एक वो क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ नहीं आता है. या फिर नंबर ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल्स, नंबर ऑफ इररिकवरेबल शेड्यूल्स, ये पूछे जा सकते हैं. तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ करना होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए क्या होगा. ओके ललित, कितना आ रहा है, 40. ठीक है, क्या दिया है, कंसीडर अ नैपसैक हुज साइज इज 23. तो नैपसैक का कैपेसिटी तो आपको 23 दिया हुआ है. ठीक है, देयर आर फाइव आइटम्स अवेलेबल,
और उनका प्रॉफिट और वेट दिया हुआ है. इफ द फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इनटू द नैपसेक, मतलब हम लोग फ्रैक्शनल नैपसेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल नैपसेक हमें करना है. तो फ्रैक्शनल नैपसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. सो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो 12/8, देन 14/7, देन 15/10, देन 12, देन 20/12. And 4/4, okay. So this become 1.5. ये 2 है, ये 1.5 है, ये आ जाएगा 1.6 approximate, and this is 1. So according to the profit by weight ratio, आपको क्या करना है, objects को insert करना है. तो सबसे ज्यादा profit by weight ratio किस object का है, इसका, सेकंड वाले का. तो इसका वेट कितना है, 7. तो इसमें से 7 माइनस किया, तो अब नैपसेक कितना खाली रहा आपका, 16. और इसका प्रॉफिट कितना है, 14. तो ये प्रॉफिट आपको अर्न हो गया. प्लस अब नेक्स्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो किसका ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का. इसका वेट कितना है, 12. तो यहां से माइनस किया 12, अभी भी नैपसेक 4 खाली है. इसका प्रॉफिट कितना है, 20. वी कैन अर्न दिस प्रॉफिट. प्लस अब नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो किसका है, तो 1.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है. तो इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसका वेट कितना है, 8, और यहाँ पे नैपसेक कितना खाली है, 4. क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा, नहीं जाएगा. इसका कितना लेके जा सकता हूं मैं, हाफ. ऑब्जेक्ट का वेट 8 है और नैपसेक 4 खाली है, तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 ही इंसर्ट कर सकता हूं ना. तो 4 इंसर्ट करूंगा तो क्या पूरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा है, नहीं, इसका आधा इंसर्ट हो रहा है. तो इसका हाफ, तो प्रॉफिट भी इसका हाफ हो जाएगा. तो प्रॉफिट हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6. सिंपली टेक एडिशन ऑफ दिस, हाउ मच इट इज, 40. सो योर आंसर इज 40. क्लियर है? चलिए, तो 40 आपका रिजल्ट है इस क्वेश्चन के. Let's try this one. इसको try करिए and tell me what would be answer for this question. अक्षय, अभी बेटा मैराथन सेशन आने वाले हैं, है ना. 15th of January से मैराथन शुरू होंगे, संडे, एवरी संडे ऑन यूट्यूब. तो उनमें डोंट वरी, आई विल डू ऑल द PYQ questions. DBMS के सारे PYQ, एल्गोरिथम के सारे PYQ, डेटा स्ट्रक्चर के सारे PYQ, ये मैं आप लोगों को कराने वाला हूं. तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ कवर हो जाएंगे. तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जो बोल रहे हो, कॉन्करेंसी कंट्रोल, सारी चीजें कवर हो जाएगी. सो बस आप उन मैराथन्स को अटेंड कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा एक बार फिर से थ्रू दी क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताएं क्या आ रहा है आंसर.
कितना आ रहा है? 3। कंसिडर नैपसेक ऑफ साइज W इक्वल टू 30। देर आर 5 आइटम्स अवेलेबल ऑन देयर वेट एंड प्रॉफिट्स आर, वेट एंड प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। इफ फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन अ नैपसेक, हाउ मेनी केजी ऑफ आइटम 3 कैन बी प्लेस्ड इन टू द नैपसेक टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है आपको कि आइटम 3 जो है, थर्ड आइटम मतलब दिस आइटम, इसका ये वाला आइटम, इसका कितना वेट, इसका वेट 10 है, लेकिन इसका कितना वेट नैपसेक में इंसर्ट हो रहा है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। तो सबसे पहले यहां पे भी अबे हमें फ्रैक्शनल नैपसेक ही अप्लाई करना है, तो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो तो निकालना होगा। सो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो हम लोग देख लेते हैं, इसका डिवाइड करते हैं हम इसे 8 से, इसे 7 से, इसे 10 से, इसे 12 से और इसे 4 से, ठीक है। सो दिस इज 1.7 अप्रोक्सीमेट, दिस इज 2, दिस इज 1.5, इज 1.6 एंड दिस वन इज 1, ओके। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, तो आप वेट यहां देख सकते हैं, नैपसेक का वेट हमें कितना दिया, 30, साइज ऑफ नैपसेक इज 30, ठीक है। हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो सेकेंड ऑब्जेक्ट का, तो माइनस किया इसमें से 7, सो रिमेनिंग 23 रहा। इसका जो भी प्रॉफिट है वो हमें आन हो जाएगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में पूछा ही नहीं है, तो नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा इंसर्ट करना है जिसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो सबसे हाईएस्ट है, सो -8, रिमेनिंग कितना रहा, 15, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो किसका ज्यादा है, 1.6, इसका वेट कितना है, 12, सो -12 किया, रिमेनिंग कितना रहा, 3 रिमेनिंग है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट वाला इंसर्ट हो चुका है, ये ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट हो गया है, अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट है थर्ड एंड फोर्थ, कौन सा इंसर्ट करेंगे, थर्ड, क्योंकि इसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो ज्यादा है, बट इसका वेट कितना है, 10, क्या 10 इंसर्ट होगा, नहीं, तो कितना पोर्शन जाएगा, जितना ये खाली है, नैपसेक कितना खाली है, 3, तो वी कैन इंसर्ट द 3 kg, योर आंसर इज 3, वी कैन इंसर्ट 3 kg, सो हम लोग 3 kg यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। विशाल BFS DFS ग्राफ वाला जो है, जो BFS DFS ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक है, वो DSE की प्लेलिस्ट में बाकी है, सही बोल रहे हो तुम। एक काम करेंगे हम लोग, जैसे ही एल्गोरिथम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, कल का एक सेशन और रहेगा जिसमें एल्गोरिथम के क्वेश्चंस में कराऊंगा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करने, तो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के पहले एक दिन सेम टाइमिंग पे मैं आपका BFS DFS से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको करवा दूंगा, ग्राफ है ना जो बचा है, तो वो चीज कवर हो जाएगी, ठीक। अब रही बात जो ललित आप और अक्षय कह रहे हो बेटा, तो डेफिनेटली ऐसा होता है, मतलब बट ऑब्वियस है, हर बच्चों के में ऐसा होता है कि सब चीज पढ़ लेते हैं फिर भी थोड़ा डर लगा रहता है, तो हमें उससे घबराना नहीं है, सिंपल सा है कि रिविजन करते जाना है, जितनी भी चीजें हैं रिवाइज करते जाना है। अभी रही बात PYQs की, तो मैं सारे PYQs फिर से आप लोग को रिवाइज करा दूंगा, DBMS के करवा दूंगा, डेटा स्ट्रक्चर के करवा दूंगा, एल्गोरिथम, 3 सब्जेक्ट्स के मैं रिवाइज करा दूंगा, बाकी भी चैनल के ऊपर प्लान अप होंगे, तो बाकी फैकल्टीज बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करवा देगी, तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली बहुत चीजें अच्छी होंगी। PYQs रिविजन, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, PYQ फिर से रिवाइज करवा देंगे, तो मान के चले कि आप जब एग्जाम दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स आपके पढ़े हुए होंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो कि वहां कुछ नया आने वाला है, यही चीजें आने वाली है, द वे डिफरेंट हो सकता है, बट आपने जो पढ़ा है उस पर आप भरोसा रखो और बिल्कुल आप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ठीक है, एक सेशन में ले लूंगा, है ना, ये संडे को एक सेशन में लेता हूँ, उसमें इस टाइप की सारी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो हेजिटेशंस हैं, जो चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड, जहाँ डाउट या डर लग रहा है, तो वो सारी बातें हम लोग एक सेशन के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो फियर है वो हट जाएगा, सो डोंट वरी, है ना। और कैसे मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है, आई विल टेल दैट पॉइंट टू यू ऑल्सो।
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, सो एक नॉन टेक्निकल सेशन इसके ऊपर रख लेंगे फॉर द मोटिवेशन। चलिए, इतना क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक, तो इस टाइप की क्वेश्चंस के जो है ये आप लोगों से रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी अप्रोच, तो इस टाइप की क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। श्योर श्योर, डेफिनेटली बेटा, मेरा साथ हमेशा रहेगा, है ना। चलिए, कल मॉर्निंग आप लोगों को क्लास अटेंड करना है, 7 मॉर्निंग 7 AM हम लोग क्लास शुरू करेंगे। उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए इन्हीं के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो शॉर्टकट्स या जो ट्रिक्स हैं जो याद रखनी है वो मैं आप लोग को रिवाइज करा दूंगा। तो मिलते हैं कल सुबह। ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।